हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजिटेक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि गीगावाट की तरफ से है पावर सप्लाई यूनिट। इसका जो मॉडल नंबर है P550B, यानी 550 वाट का ये पावर सप्लाई है 80 प्लस ब्रॉन्ज के साथ। तो दोस्तों, तो आज इसका हम करेंगे अनबॉक्स प्लस रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गीगावाइट की तरफ से आने वाला ये पावर सप्लाई, इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ गीगावाइट 80 प्लस ब्रॉन्ज के साथ P550B, तो यहाँ बेहतरीन पावर सप्लाई ये, और जो गेमिंग पीसी के लिए ये पावर सप्लाई काफ़ी यूज होता है दोस्तों। साइलेंट फैन के साथ आपका 12 वोल्ट सिंगल के साथ आपको आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके सीरियल नंबर, UPC EN, जो कि आपका मॉडल नंबर, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फीचर्स, इसके बारे में बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलता है दोस्तों। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा आपको इसका डिटेल बताया गया है। 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट के साथ 120mm की जो साइलेंट हाइड्रोलिक बेयरिंग के साथ आपको फ़ैन मिलता है। यहाँ पे मदरबोर्ड का 24 पिन कनेक्टर दिया गया है। CPU का आपका 4-4 पिन का एक दिया गया एक कनेक्टर। PCI एक्सप्रेस की आपका 2 कनेक्टर दिया गया 6+2 पिन का। SATA का 6 कनेक्टर दिया गया है। पेरीफेरल के आपको 3 कनेक्टर मिले हैं जो कि मोलेक्स कनेक्टर है, और एक आपका फ्लॉपी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम करेंगे अनबॉक्स। तो यहाँ देख सकते हैं अनबॉक्स करने पर इस तरह आपको बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फ्रंट की तरफ आपको एक फॉर्म मिलता है, यहाँ देख सकते हैं सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको गीगावाइट की तरफ से एक आपका इंस्टॉलेशन गाइड, जो कि मैनुअल होता है, यह हर प्रोडक्ट में आपको मिलता ही मिलता है दोस्तों। इसको हम रखते हैं साइड में। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलता है एक पावर कोड, बहुत ही हैवी पावर कोड है दोस्तों। और जो वायर की जो क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी में दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको वायर है, यहाँ देख सकते हैं कितनी मस्त वायर है, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन वायर है। तो यहाँ देख सकते हैं 4 स्क्रू दिया गया है, जो कि इसको आप इंस्टॉल करते समय इसका यूज़ करेंगे दोस्तों। चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देख सकते हैं फोम, आपका फोम के बिल्कुल बीचों बीच इसको रखा गया है। तो इसको सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है, जो कि गीगावाइट के आने वाला P550B का पावर सप्लाई है दोस्तों। तो इसको हम फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने पर यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो ऑल ब्लैक कलर में दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं P550B। तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपका ऑन ऑफ स्विच है, ये आपका पावर कोड लगेगा इस पर। उसके बाद यहाँ पर इसका डिटेल बताया गया है पूरा। 80 प्लस ब्रॉन्ज के साथ ये आता है दोस्तों, P550B 550 वाट का है। चलिए फटाफट इसको हम वायर को ओपन करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ़ैन की क्वालिटी, यहाँ पर पीछे गीगावाइट का ब्रांडिंग दिया गया है, साइड में गीगावाइट का ब्रांडिंग दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं वायर, तो वायर का आप जब क्वालिटी देखेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कनेक्टर दोस्तों। तो कनेक्टर मैंने पहले ही बता दिया हूँ, तो मैं फिर से बता दूंगा। ये जो कनेक्टर है आपको यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे पहले जो कनेक्टर होता है ये मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है पावर सप्लाई देने के लिए, 24 पिन कनेक्टर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारी वायर है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो कनेक्टर है आपका SATA केबल कनेक्टर है, जो कि 6 SATA केबल कनेक्टर मिलता है। उसके बाद ये है आपका PCIe एक्सप्रेस कनेक्टर, जो कि आपका ग्राफिक कार्ड में लगता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 6 कनेक्टर है दोस्तों, 3 उधर, दूसरे 3 पे, यानी कि टोटल 6 कनेक्टर है। 2 आपका ग्राफिक कार्ड का कनेक्टर मिलता है 6+2 का। उसके बाद तो यहाँ देख सकते हैं पावर, आपका ये मदरबोर्ड को पावर देने के लिए है ये। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है दोस्तों, 8 पिन कनेक्टर है, जो कि आपके प्रोसेसर को पावर देता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोलेक्स कनेक्टर है, यानी कि आपको मोलेक्स आपको 3 कनेक्टर आपको मिलता है। उसके बाद जो ये कनेक्टर है, ये आपका फ्लॉपी के लिए है दोस्तों, ये फ्लॉपी के लिए एक कनेक्टर आपको दिया गया है दोस्तों। तो ओवरऑल ये जो पावर सप्लाई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इसको परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से 3,800 रुपीज़ का। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों।